नियुक्ति पत्र पुनः एक झुनझुना है। नियुक्ति पत्र पुनः एक झुनझुना है। जब जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री इस तरीके की योजना, इस तरीके की घोषणाएं वो करते हैं, पर हकीकत है ये पुनः एक भ्रष्टाचार का दरवाजा खोलने का एक रास्ता है। बैकडोर से आप एंट्री कराते हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जिन लोगों को संभवतः हस्ताक्षर तक करना नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2 नवंबर को बिहार सरकार के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा नव नियुक्त शिक्षकों को। इसी को लेकर जब सवाल किया गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, तो उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनके विभाग में अगर कहीं भी वैकेंसियाँ निकलती हैं तो पैसे देकर जो है सीटें भरी जाती है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती की गई है, इनमें जो शिक्षक आए हैं जो उनको मंत्री के पास पहुंच है और पैसे देकर वो भर्ती हुए हैं, पहले क्या कुछ करें चिराग पासवान, पहले सुनिए उनकी बातों को। भाई ये नियुक्ति पत्र एक मिनट, नियुक्ति पत्र पुनः एक झुनझुना है। नियुक्ति पत्र पुनः एक झुनझुना है। जब जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री इस तरीके की योजना, इस तरीके की घोषणाएं वो करते हैं, पर हकीकत है ये पुनः एक भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खोलने का एक रास्ता है। बैकडोर से आप एंट्री कराते हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जिन लोगों को संभवतः हस्ताक्षर तक करना नहीं आता, वो लोग, उन लोगों की नियुक्ति की गई है, उन लोगों की बहाली की गई है। जिन लोगों के पास पैरवी है, मंत्रियों तक पहुंच है, या उनके पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, उन्हीं लोगों की बहाली बैकडोर से की जा रही है। इसी कारण से शिक्षकों में भारी आक्रोश है और ये मुख्यमंत्री के हर विभाग में ऐसे ही नियुक्तियां होती हैं बैकडोर से भ्रष्टाचार के माध्यम से। आपके चाचा ने कहा है 5 सीट पर चुनाव लड़े थे, 5 सीट पर लड़ेंगे। भाई वो गठबंधन के भीतर बातचीत करें। आप लोगों का क्या तैयारी है? भाई पूरी तरीके से, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 400 सीटों पर हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। मेरी पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। ये हर लोकसभा को मजबूत करने की दृष्टि से संगठन को तैयार करने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और मैं मानता हूं कि हर वो लोकसभा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी वहां पर तो हमारा संगठन मजबूत हो ही, पर साथ ही में जहां पे हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ें वहां पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का लाभ उन घटक दलों को, उन प्रत्याशियों को मिले, इस दृष्टि के साथ। तो आपने सुना चिराग पासवान किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाए हैं और उनके मंत्रियों पर भी आरोप लगाते हुए कर रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारी हैं और जो शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है उनको मंत्री तक पहुंच है और वो आप पैसे देकर इसमें भर्ती हुए हैं। तमाम खबर बना रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।